अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने कभी न कभी केवाईपी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुने हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको केवाईपी के बारे में फुल डिटेल में बताने वाले हैं। केवाईपी क्या होता है, केवाईपी में कौन कौन से कोर्स आते हैं, क्या फायदे हैं केवाईपी करने के, क्या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए केवाईपी करना कंपलसरी है, कितना रुपया लगता है केवाईपी करने में, और क्यों लॉन्च किया हमारे बिहार सरकार ने केवाईपी को, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, जिससे आपके केवाईपी से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको केवाईपी के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है मुकेश राज और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल चैनल एक्स मार्टी क्रिएटर। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा केवाईपी क्या होता है। तो केवाईपी जिसका पूरा नाम है कुशल युवा प्रोग्राम, के से कुशल, वाई से युवा, पी से प्रोग्राम, यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम, ये बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जो कि सात निश्चय योजना के तहत यह योजना की भी शुरुआत की गई, जिसको हम आर्थिक हल युवाओं के बल के नाम से भी जानते हैं। इस कोर्स का यानी कि केवाईपी कोर्स का एक ही उद्देश्य है, क्यों लॉन्च किया ये भी हम जान लेते हैं। साथ ही साथ इस केवाईपी कोर्स का ये उद्देश्य है कि बिहार के सभी युवाओं को, बिहार के जो भी युवा है, जो भी छात्र है या फिर छात्रा, इन सभी को जिनका उम्र 15 से 33 वर्ष हो, ठीक है, साथ ही साथ वो स्टूडेंट, वो युवा 10th क्लास या फिर स्नातक पास हो या फिर उससे आगे भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी को फ्री में कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना ही इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी छात्र छात्रा हैं, उन सभी को कंप्यूटर का ज्ञान देना ही मुख्य लक्ष्य है केवाईपी का। जैसा कि आपको पता है, आजकल बिना कंप्यूटर के नॉलेज का हमारा ज्ञान अधूरा है, हमें कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होना जरूरी है। चाहे हम किसी भी फील्ड में, चाहे हमारा एम कुछ भी हो, कोई भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं, उसमें हमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आज के इस दौर में विदाउट कंप्यूटर के ज्ञान की हमारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो ये तो हुआ केवाईपी क्या होता है और क्यों हमारी सरकार ने इसे लॉन्च किया। दूसरा हमारा टॉपिक है केवाईपी में कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, केवाईपी में हमारे तीन कोर्स आते हैं, पहला CIT, दूसरा CLS और तीसरा है CSS, ठीक है। BS सभी में कॉमन है, क्योंकि BS से हुआ बिहार स्टेट, क्योंकि केवाईपी जो है वो सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए ही है, ये दूसरे स्टेट के लिए नहीं है, सिर्फ बिहार में रहने वाले के लिए ही केवाईपी दिया गया है, इसलिए BS सभी में कॉमन है, बी से बिहार, एस से स्टेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे CIT क्या होता है। CIT यानी कि C से सर्टिफिकेट, I से इंफॉर्मेशन, T से टेक्नोलॉजी, यानी सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर का बेसिक जानकारी दिया जाएगा, यानी कि इसमें आपको MS Office के तीन पैकेज, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, इन तीनों के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी CIT में, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपको कंप्यूटर का बेसिक जानकारी दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कोर्स है हमारा CLS, यानी कि C से सर्टिफिकेट, L से लैंग्वेज, S से स्किल्स, सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, इसमें आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। यानी इस कोर्स में आपको इंग्लिश का बेसिक जानकारी दिया जाएगा, ग्रामेटिकल, इंग्लिश के ग्रामेटिकल पार्ट की, इंग्लिश में हम कैसे अपना हिचक दूर कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश की आपको स्पोकन की भी हल्की फल्की जानकारी दी जाएगी, यानी कैसे हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं,
इसमें आपको ये बताया जाएगा, यानी आपके लैंग्वेज स्किल को इसमें डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट कोर्स है हमारा CSS, यानी C से सर्टिफिकेट, S से सॉफ्ट और S से स्किल्स, यानी सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका सॉफ्ट स्किल डेवलप किया जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट स्किल क्या, यानी जैसे आप कहीं जॉब के लिए या फिर वैकेंसी के लिए आप कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पर्सनैलिटी और आपका बिहेवियर, कि आप किस तरह वहाँ पे व्यवहार करते हैं। इस कोर्स में आपका पर्सनैलिटी और आपके बिहेवियर को डेवलप करने के लिए आपको बताया जाएगा, यानी आप कहीं पे अगर इंटरव्यू देते हैं तो आपको वहाँ पे किस तरह व्यवहार करना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, कैसे आई कॉन्टेक्ट करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। किस तरह आप वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, किस तरह का आपका कलर कॉम्बिनेशन होगा अपने कपड़ों का, यानी इन सब के बारे में आपका सॉफ्ट स्किल डेवलप कैसे आप कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। तो आपने देखा तीनों कोर्स CIT, CLS और CSS, ये तीनों मुख्य कोर्स है KYP के। तो अब बात रही क्या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है KYP करना, तो इसका आंसर है जी हाँ। KYP सिर्फ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए ही नहीं, जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए भी जरूरी है, चाहे वो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, जनरल स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, KYP करना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि इससे पिछले साल यानी 2018 दिसंबर के मध्य में SBT की तरफ से एक नोटिस आई थी कि लास्ट ईयर का फॉर्म वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनका KYP कंप्लीट हो, तो कोरोना के कारण ऐसा हो नहीं पाया, सभी स्टूडेंट का KYP कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए उसके बाद उस नोटिस पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल होने के कारण अब हो सकता है आपका फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए आप लोग KYP जरूर कर ले। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कितना रुपया लगता है KYP करने में। तो KYP करने में आपको 1,000 रुपया लगेगा, वो भी आपको सिक्योरिटी के तौर पे देना होगा, यानी कि वो जो 1,000 रुपया आपसे लिया जाएगा बाद में आपको वो आपके बैंक अकाउंट में लौटा दिया जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप एग्जाम दे दीजिएगा। अब ये कोर्स होता कितने दिन का है, तो ये कोर्स KYP का 3 मंथ का कोर्स होता है। 3 मंथ में आपको तीनों कोर्स करवाए जाएंगे CIT, CLS और CSS। 3 मंथ में आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपका एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम में आप जब पास हो जाइएगा तो आपका जो 1,000 रुपया सिक्योरिटी के तौर पे लिया गया है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको लौटा दिया जाएगा, ठीक है। यानी इसलिए इस कोर्स को एकदम फ्री बोला गया है, क्योंकि 1,000 रुपया आपको सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे लिया जाता है आपसे, बाद में फिर वो आपको लौटा दिया जाता है। तो लास्ट टॉपिक, क्यों लॉन्च किया बिहार सरकार ने KYP को और क्या फायदे हैं इसके, ये तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बता दिया था, जब मैंने KYP आपको बताया था, ठीक है। तो KYP से जुड़े सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं KYP में हम कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, कैसे एडमिशन होता है हमारा KYP में, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इस पे भी एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको KYP के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में, धन्यवाद।